अरे भाई 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 भाई, ये देख लो भाई रोड की हालत, खुद देख सकते हो, देख लो फ्रेंड्स हालत। रात को इनके ऊपर से बर्फ आती है रोड पे, तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, अच्छे से हो गए और ठीक हो गए। तो आज 4 तारीख है, अभी हम सोनमर्ग में हैं, 4 जनवरी, तो जा रहे हैं लद्दाख। बाकी आप बाहर देख लो बर्फ़ कितनी है और कोहरा कितना है, और आगे क्या होगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे भाई। आगे तो रोड की हालत ही बदतर होगी, तो चलो करते हैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट, मिलेंगे आप लोगों से आगे निकलने के टाइम, फिलहाल देखेंगे कब छोड़ेंगे यहाँ से कब नहीं। और ऊपर से ऐलान हुआ है रोड का 7 तारीख को बंद, 3 दिन में वापस आना है। तो दोस्तों सोनमर्ग से कांटा करके निकल चुके हैं, बाकी आप देख लो भाई रोड की हालत। अभी हम सोनमर्ग से निकले ही है, आगे क्या होगा कोई पता नहीं है। इतना ज़बरदस्त है दोस्तों, ये देखो रोड की कंडीशन, रोड पूरा ख़राब है। अभी हम सोनमर्ग में ही हैं लगभग, लगभग क्या सोनमर्ग से ही निकल गए हैं अभी। अभी देखो यहाँ से रोड की कंडीशन, आगे क्या होगा उसका ऊपर वाला ही जाने। ऊपर से अब पेशेंट को ही दी गई है कि 7 तारीख से 4 दिन लगातार बर्फ है, और रोड भी इनको 7 तारीख को ही बंद करना है, तो हमें कुछ करके जल्दी ले पहुंचना है, आज ही खाली करके वापस आना है। अगर हम खाली करके आज ही वापस पहुंचे तब जाके ठीक है, वरना हो सकता है हम वहीं पे फंस जाएं 3 महीने 4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। ये रोड जो है 4-5 महीने के लिए बंद रहता है। फिलहाल अभी चल रहे हैं पहुँच के यहाँ, पोखरण ब्रिज बोलते हैं इसको यहाँ पे। जो है सोजला से नीचे रंगा में बैठे हुए हैं, रुका हुआ है ट्रैफिक वालों ने, क्योंकि भाई आगे भी इनको मैसेज नहीं आया गाड़ियाँ छोड़ने का, आगे जब मैसेज आएगी तभी छोड़ेंगे यहाँ से। देख लो यहाँ का दोस्तों, आखिरकार 12:15 छोड़ा हमको यहाँ से। अब तो वन डे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे जो है बोल रहे हैं पूरा रोड ख़राब है। इन्होंने भी इसलिए बंद रखा था क्योंकि आगे जो है स्लाइड 3-4 आई हुई थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बंद रखा था, तो अभी छोड़ दिया है। अभी देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं। हमारा टायर भी एक बैठा हुआ था, वो भी चेंज कर दिया, तो भी आगे आपको रोड दिखाएंगे रोड की हालत क्या है। तो अभी सोजला चढ़ रहे हैं हम, तो गाड़ियाँ जा रही है क्रेशर मोड़ पे पहुँच गए अभी। यहाँ पे तो उतना कोहरा नहीं है, आगे होगा एक सेकंड, यहाँ पे अभी उतना कोहरा नहीं है, लेकिन बर्फ है आगे जो है, सी 2 दिन आई हुई थी, इसलिए हमें अभी तक बंद रखा हुआ था इन्होंने। तो अभी चल रहे हैं आगे, मिलेंगे आपको तो किसी को। बर्फ जो है पूरी हवा से रोड में आ रही है, ये देख लो भाई रोड की हालत, खुद देख सकते हो, पूरा बर्फ जो है रोड पे आया हुआ है साफ करने के बावजूद भी। देख लो फ्रेंड्स हालत, देखो अभी अभी साफ करके गए हैं ये, लेकिन फिर से जो है बर्फ लेकिन रोड में ही है। बस ये जो ऊपर से हवा आए हुए हैं उन्हीं की वजह से रोड अभी तक बंद था, साफ कर दिया इन्होंने तो, लेकिन चल रहे हैं अभी, कोई भरोसा नहीं है और वहाँ जा सकते हैं। ऊपर से 7 तारीख से रोड बंद है, क्या पता अगर मंडे नहीं हुआ तो हम मुश्किल है वापस,
फिर तो 4-5 महीने गाड़ी इधर ही रखनी पड़ेगी और कुछ रास्ता करना पड़ेगा। तो ये देखो कोहरा यहाँ पे इन्होंने मिट्टी जो है डाली हुई है, तो कोहरा जो है आज बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि भाई जनवरी है तो लगेगा ही। बाकी बाहर देखो पहाड़ पर टोटल बर्फ जो है बहुत, जो बर्फ हवा से जो है वापस आती है ये बर्फ पहाड़ों से उतर के रोड पे। ये JCB अभी काम कर रही थी और 2 डोजर वो पीछे है। बाकी आप ये देखो आगे सामने देखो बस आप, बाप रे बाप, इसका क्या बोलेंगे भाई। अब ये देखो डोजर सफाई वाला, देख लो दोस्तों अब फिर से रोड की हालत। कहीं पे भी आप बोलोगे ना रोड ठीक है, कहीं पे नहीं है, जहाँ पे आ वहाँ जे वहाँ पे खाली बर्फ है नीचे। यहाँ डर है बस गाड़ी रुकने का, गाड़ी एक बार रुक गई यहाँ पे तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगी क्योंकि मोरे पे गाड़ी चलती नहीं है। ये सामने देखो हो रहे भाई, जो ये अवलांच है ना यही अवलांच जो है रात को इनके ऊपर से बर्फ आती है रोड पे, तो फिर ये सुबह साफ करना पड़ता है इनको, तब जाके गाड़ियाँ निकल पाती है। लेफ्ट साइड में साथ में था अवलांच के साथ में गाड़ी, वहाँ पे चढ़ गई भाई, ये सोचा बस गए हम खत्म खेल। भाई है आज खतरा इधर, मानो या माने कोई या ना माने, भाई वो कहते ना इधर मौत के फरिश्ते के साथ जंग करनी पड़ती है आज के टाइम में। देखो लगेगा बर्फ है ही नहीं कुछ पहाड़ों पे देखने से, लेकिन वो सारी बर्फ जो है ना पहाड़ों की वो रोड पे आई हुई है। पता नहीं हवा पहाड़ों से उठा के रोड पे क्यों डाल देता है बर्फ पूरा। सामने आप और एक देखा होगा, यहाँ पे भी अभी अभी साफ किया हुआ है इन्होंने। क्या करे भाई आप लोग, व्यू देखो बस साइडस क्या लगा गाड़ी सोच साइड में गाड़ी सोच बनती है इसमें। व्यू भी है डर भी है, हालत खराब है, हालत टाइट है अभी पूरी रोड की हालत देख के। व्यू भी है डर भी है,
पूरा सब कुछ घेर डाल के चलो, जो होगा देखा जाएगा। डर अपने डिक्शनरी में नहीं है भाई, ये बोल रहे आराम से चलो, डर अपनी डिक्शनरी में नहीं है, वो डिक्शनरी से बाहर है। टॉप गियर लगा तो चलो, कौन सा टेंशन है, चार नंबर डाला हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। नजदीक पहुंच चुके हैं, चल रहे हैं, आराम से तो नहीं बोलूंगा, जैसा मैं चल सकता हूं वैसा चल रहा हूं दबा के। बाकी आप बाहर देख लो, हालत ही खराब है, देख के आप रोड की कंडीशन देखो, बस ये व्लॉग लंबा जाएगा इसलिए दूसरा बनाऊंगा मैं आगे से भाई, लेकिन रोड आपको सारा दिखाऊंगा। बर्फ आ रहा है बहुत ही ज्यादा, और सर्दी की बात मत ही करो। तो भाई चलो ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो यार, इंस्टा पे हम समीर व्लॉग सर्च करो, मिल जाएगा। अगर यूट्यूब से मेरा वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब अबाउट में जाओ, वहाँ पे भी मेरा लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम 0 पॉइंट पहुँच गए, व्लॉग लंबा जाएगा और यहाँ से आगे मैं दूसरा बनाऊंगा, आपको पूरा पूरे रोड की कंडीशन दिखाऊंगा क्या हालत है। रोड तो वैसे भी बंद होने वाला है, हो सकता है हम भी बंद हुई हो जाए, अगर रात को खाली हुआ तो हम घर पहुंचेंगे, वरना हमें गाड़ी इधर ही 4 महीने रखनी पड़ेगी, खुद घर उतरना पड़ेगा। चलो करता हूँ भाई।